से लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी द्वारा आगामी 17 एवं 18 अक्टूबर को स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर उद्यमियों के लिए ये आयोजन उपयोगी सिद्ध हो इस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई हर सामग्री भी इस कला उत्सव में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगी। कार्यक्रम की आयोजिका लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी की सचिव सोनाली श्रीवास्तव, चांदनी ठारवानी, नीलांजना पांडे एवं युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम में नगर के प्रमुख जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं उद्यमी शामिल होंगे। साथ ही आयोजक मंडल के सदस्यों द्वारा नगर के लोगों से अपील की गई है कि इस कला महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये दिवाली और करवा चौथ शॉपिंग फेस्टिवल है, आपने महानगरों में देखा होगा, इंदौर, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ होता रहा है, लेकिन रीवा में लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी ने पहली बार इस तरह का आयोजन करने का निर्णय लिया है, कदम उठाया है। और अगर सभी का सहयोग रहेगा, और इस कार्यक्रम की एक बात और खास बात यह है कि रीवा जिले के जो कलेक्टर हैं आदरणीय इलैया जट्टी सर, वो इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका पूरा सहयोग है जिला प्रशासन का। तो अगर जिला प्रशासन के सहयोग रहा और सभी मीडिया कर्मियों का, व्यवसायियों का और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों का भी, तो रीवा में एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं इस आयोजन के बारे में। जी बताया, आज आप लोगों ने प्रेस वार्ता किया है, प्रेस वार्ता का आयोजन का विषय क्या है और किस उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? जो कि 17 और 18 अक्टूबर को, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कला उत्सव का आयोजन हो रहा है। कला उत्सव बेसिकली एक शॉपिंग फेस्टिवल है करवा चौथ और दिवाली की शॉपिंग्स के लिए, जहाँ पे हमने बेसिकली जो हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो रीवा, सीधी, सतना, आसपास के जितने भी जिलों में जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो जो भी हस्तनिर्मित वस्तुएँ बनाते हैं, अचार पापड़ से लेकर के टेबल क्लॉथ या कोई भी दिवाली के आइटम्स, उनको एक स्पेस देना है। और उसी के साथ में 2 वर्ष तक कोविड की वजह से कोई भी इस तरीके के शॉपिंग फेस्टिवल या छोटे मोटे आयोजन भी नहीं हो पा रहे थे, जिसको कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे गृहिणियों को, जो भी महिलाएं अपने घर से कोई भी व्यवसाय करती हैं, चाहे वो बाहर से आइटम्स मंगा के रीसेलिंग के लिए करती हैं या अपने घर में कुछ भी आइटम्स बना के उन्हें सेल करती हैं, हमने उन्हें भी यहाँ पे स्पेस दिया है कि एक रूफटॉप के नीचे आपको पूरी अपनी दिवाली और करवा चौथ की कंप्लीट शॉपिंग मिलेगी। प्लस हमारा मेन मोटिव है कि दिव्यांगजनों के द्वारा जो भी हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाई जाती है, क्योंकि समाज में ये सोचा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो हमेशा हम पर आश्रित रहेगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर शहरों में ऐसा होता रहता है कि जहाँ पर प्रॉपर पूरे दिव्यांग बच्चों के लिए ही प्रदर्शनी का आयोजन होता है। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसको हम उस लेवल तक लेकर के जाएं, पर इस बार हमने इसको एक इंक्लूसिव एग्जीबिशन के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें दोनों लोगों का मिला जुला स्टॉल्स रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कितने दिन के लिए? 2 दिन के, 17th और 18th अक्टूबर की सुबह 10 बजे से। स्पेशल एनजीओ के लिए है, लेकिन इसके बाद भी हम चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइज करे एग्जीबिशन, तो दिव्यांग बच्चों का एक उनको एक स्टॉल जरूर दिया जाए। इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? हमारे जो मेन आयोजन है वो, उसके पूरे जो कार्यभार है, रूपरेखा है, वो लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी